हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ NY Bay 3-in-1 स्टिक का फुल मेकअप। पूरा बेस मैं क्रिएट करूँगी कि कितना अच्छा इससे बेस क्रिएट होता है या बुरा होता है, इसको आप बाय करो या नहीं करो, लाइव डेमो दूंगी, मतलब सारा कुछ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रही स्टिक, इसका मैं आप सबको पूरा व्यू दिखा दे रही हूँ किस तरीके से है ये। इसका टेक्सचर भी आप सबको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इसका कलर बिल्कुल मेरे फेस से मैचिंग है। मैं इसका डाल भी दूंगी कि कौन सा शेड है ये, जो कि अगर आप लोग जो भी मेरे फेस के कलर के हैं, जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन मेरे जैसा है, वो इस शेड को बाय कर सकते हैं। मैं बाइंग लिंक भी डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपना रेफरल कोड भी डाल दूंगी जिससे आपको ऑफ़र मिलेगा। तो इसके बाद मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। पूरे फेस पे नहीं करूँगी, सॉरी, हाफ फेस पे करूँगी। मैं हाफ ऑफ करके आप सबको दिखाऊँगी, तभी आप सबको डिफरेंस पता चलेगा और ये अच्छा स्टिक है या नहीं है, सीरियसली ये 3-in-1 है या फिर कैसा काम करता है, वो आप सबको पता चलेगा। तो अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। पहले हल्का सा हाथ से ब्लेंड करके आप सबको दिखाऊँगी कि कितना ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो फिंगर्स के बाद मैंने हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ किया, आप चाहे तो कम्प्लीटली फिंगर के से भी कर सकते हैं। तो ये वन कोट मैंने अभी अप्लाई किया है। इसके बाद अब चलते हैं इसको एज अ कंसीलर यूज़ करते हैं हम। तो कंसीलर आप सबको पता है कि हमें कहाँ कहाँ लगाना होता है, जहाँ भी डार्क सर्कल्स है या फिर कुछ डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन है, तो हमें वहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो उसको मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं और डार्क स्पॉट्स हैं, आप सब देख सकते हो, मैंने अप्लाई कर लिया है और यहाँ पर ब्लेंड भी कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे से हमारा कवर हो गया है। तो आप सब देख सकते हो दोनों साइड में डिफरेंस कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। वैसे तो वीडियो पे थोड़ा कम ही दिख रहा है, बट ऐसे ज़्यादा दिख रहा है। मैं आप सबको दिखा रही हूँ कंपेयर करके कि कैसे दोनों साइड के ब्लेमिसेस, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें दोनों में कितनी डिफरेंट है। एक साइड कवर अप हो चुका है और दूसरी साइड अभी बाकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि फाउंडेशन कंसीलर दोनों को ही हमें अच्छे से सेट करना होता है। आप चाहे तो कोई लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, एक साइड का मैंने सेट कर लिया है और हमारा एक साइड का जो बेस है वो परफेक्टली रेडी हो चुका है, और दूसरी साइड का देखिए रेडी नहीं हुआ है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलिए इसी तरीके से मैं अपना दूसरा साइड भी रेडी कर लेती हूँ। साइड का जो मैंने बाकी रखा था उसको भी मैंने कर लिया है, अच्छे से बेस क्रिएट कर लिया है। तो ओवरऑल एक बार मैं अच्छे से अपने कॉम्पैक्ट से सेट कर ले रही हूँ मेकअप को, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से सारी ब्लेंडिंग हुई है, बहुत इजी ब्लेंडिंग हुई है। फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और इसका यूज़ जो है हमने फाउंडेशन की तरह और कंसीलर की तरह कर लिया है। मतलब ये परफेक्ट बेस के लिए हमारा काफ़ी है। अगर हम आप 100 रुपीज़ के अंडर में ही कुछ फाउंडेशन कंसीलर ढूंढ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं हल्का सा थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो कि बहुत ही अच्छा निखर के आया। इसमें मैंने बस काजल लगाई है, बिंदी है और एक लिपस्टिक यूज़ किया है। बस परफेक्ट बेस होने की वजह से बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट होकर आया है, जबकि कोई भी मेकअप नहीं है। तो अगर आप सब भी 100 रुपीज़ के अंडर में कोई अच्छा सा मेकअप बेस के लिए स्टिक ढूंढ रहे हो, फाउंडेशन या फिर कंसीलर, तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। मैं बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। मैं अपना रेफरल कोड भी दे दूँगी, तो उसे यूज़ करके साइन इन कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।